आज रे की गैर उपस्थिति में हमने रे के पीसी का कस्टमर ढूंढ लिया और मतलब वो थोड़ा चीखेगा चिल्लाएगा पर आज करी दे। ये पीसी बंद पड़ा रहे, यूज ऐसा कोई करता नहीं है। बस रे इसे इसलिए रखे कि उसका पहला पीसी है। मतलब अरे तू लड़ाई बजवा दे रहा है। निकाल उठा, आओ बाहर, चल निकाल बाहर। डाका तूती आया क्या भाई? वापस हो गया। आज रे की गैर उपस्थिति में हमने रे के पीसी का कस्टमर ढूंढ लिया और मतलब वो थोड़ा चीखेगा चिल्लाएगा पर आज करी दे। ये पीसी बंद पड़ा रहे, यूज ऐसा कोई करता नहीं है। बस रे इसे इसलिए रखे कि उसका पहला पीसी है। मतलब अभी इसकी अच्छी कॉस्ट मिल जाएगी, इसे बेच देना चाहिए। कर ले पैक। इसका डब्बा कहाँ पड़ा? तो डब्बा बस स्टोर में ही होगा यार, अगर होगा तो। इसका पता मुझे कहाँ है, चलिए इसे पैक कर दे। इसे वो कर ले, मॉनिटर वगैरह निकाल लो सब। रे के पीसी का डब्बा यार शायद ऊपर था। हाँ हो रहा, ये रहा सीपीयू का डब्बा। सुन मॉनिटर तो निकाल ला ना। ना ना अबे यूपीएस का है वो। ये यूपीएस का है? हमें भी तो छोटा है तो है सीपीयू का। अच्छा ये तो रहा, नहीं हमें बस ठीक है, इसे सामानों को पड़ा रहे ठीक है। इसने ज्यादा कुछ हेल्प भी नहीं करी हमारी, बस ये वाला लगा दे। बताओ भाई यूपीएस लिया। मैकबुक को यूपीएस की क्या जरूरत, महंगा यूपीएस है, ये भी निकाल लो। एक कीबोर्ड और एक माउस तो पड़ा ही है वायरलेस। आज लगी है मैच प्रीटी खाली एकदम। नहीं मैकबुक को ऐसा पीसी भी यूज कर सके वो, अगर उसे पीसी वाली फील लेनी तो। अब इस मेज पे अपने गंदे कपड़े रखे जाएंगे, बढ़ जाएगी दो दिन में। खाली भी तार सके वो आज आगे तार लगा भाई। अभी तो है नहीं यूजलेस चीज, फ्लैट पे रखेंगे उसके लिए। मॉडल कितना पुराना हो गया, मॉनिटर की करेंगे। अरे तेरा पीसी निकाल ही रहे यार। ये निहाल के उसका निहाल का फ्रेंड का बंदा, ये मेरे पीसी की होती से रिक्वायरमेंट मगा एक हमारे पास पड़ा, इसका कोई फायदा नहीं है। रेडी वेडी सॉफ्टवेयर मैकबुक में है नहीं ना, तो फिर तो विंडो वाला तो एक है दे दिए इसने, इसके तो दे दे आईएमपीएस कर दे रहा हमारे। वो भी बचपन में दे गए भी थी 130 का, तो यार एक 30 का तो ये बना ही था। बाकी ये यूपीएस का मॉनिटर तो तुम हटाई दो, पिछली जनवरी में ही बनवाया है मैंने। नहीं भाई राइजन 9 तो देख, तू राइजन 9 का सर्च करके तो देख, 45 का अब मिल रहा 10,000 में, तो पूरा पीसी देगा भाई। अराउंड 90 में दूंगा पीसी पीसी सीपीयू, इससे कम नहीं देगा। अरे मैकबुक ले लेंगे, क्या दिक्कत है, जितना कम पड़ेगा पैसे डाल देंगे। तुम अपना कितना सीपीयू आएगा तुम्हारा 45 का, अगर पुराना मिलेगा तो 35 से नीचे कोई देगा ही यार। तुम पूरा पीसी अगर 55 में निकाल दे रहे वो तेरा कल से। इसमें ग्राफिक कार्ड तो उसे ले जा, तुझे घर लेके जाना कहीं जाना। सीपीयू तो सेम है। अरे कोई नहीं मैकबुक में हम डाल देंगे, जितने कम पड़ेंगे तू ही मान ले, 40 हम दे देंगे फालतू। क्यों ऊपर चिर रहा है ये, इतनी जगह घेरता है फालतू में, ऊपर से घर छुड़वा दूंगा। मैं कह रहा वो ले ले, तू अपना ही मान लेना, तू घर ले जा, उसे चौदह माग लगा दे। तू यूं बता दे, अच्छा तू ही बता तुझे इसके कितने पैसे चाहिए। तू बेच दे कितने में, बेच दे तुझे इसके कितने पैसे चाहिए। एक बिक रहा हमारा, यूं मान ले दोनों हमारे थे, एक बिक रहा, कितने पैसे में बेचेगा? बेचना ही 55,000 रूपए क्या ही चीज है। तुम कितने का भी ले रहे हो, मैं डाल दूंगा जितने पैसे हैं। नहीं कोई नहीं, 90 कर लो अभी उठा ले, तुमने 55 दिए ना, 90 करने बाद में कर दियो जब करने होंगे। मैं अभी कर दूंगा रचित को 90 ट्रांसफर। तन्ना तो वो काम करता है वे, बुड्ढे उस घर में से लिकट गई नहीं, तन्ना को फ्लैट ले लो भाई कुछ ही मान। इसे आज शाम को मैकबुक ला देंगे और बता। नहीं चाहिए भाई मुझे, नहीं चाहिए भाई। तुम्हारी उसकी बात हुई थी ना उस पीसी की, मैं वो सही लग रहा है तो वो ले लो, नहीं तो ठीक है बस उससे बात कर लो जो तुम्हारा दूसरा बनता है। इस टाइम मैकबुक भी बेचेंगे पूरा ले जाओ सेटअप, लेकिन गाड़ी ले जाओ कोई नहीं लगता इसका, आज भी करवाते हैं कुछ मैकबुक टॉप का। अभी अगर कैब वाले ने लेट नहीं की होती मैं तो लेके चला गया होता, फिर वो वाला ले जा। अरे मैं यूँ कह रहा अगर यो वाली मैक ले ले, जब तक नई वाली आवेगी वो हम ले लेंगे जब भी आवे, पर टैटू बनवा ले अपने नाम का। तू अभी छोड़ा बाद में देख लेंगे, ये भाग भूग ना जाए। चलो डाका तूती आया क्या भाई? वापस हो गया वापस हो गया, मैं रह मर जाएगा। बहुत प्रैंक कर रहे थे, कान पड़ गया। मैं कह रहा था मर जाएगा, मैं मर जाएगा और कुछ।
अरे मर जाता वो सीढ़ी और कुछ नहीं हो यहाँ आज बाल के नीचे कुछ ऐसा फंदा डालते तुझे क्या कहा था यूं कह रहा है निहाल बेच देगा मगर उसकी जान अटक रही है उसमें करेगा वो बस नहीं बीस तो रहे थे पहले पहले से 45 में दे दिया था एक बार को फिर तो 55 में दे देना चाहिए था ना मुझे यार तुमने जल्दी रिवील कर दिया सेकंड पार्ट अब तुम लोग यूं मर जाता क्या करता अगर यो हम बाहर ले जाते बंदा लेके चला जाता अगला स्टेप क्या करता रोकता या बैठा रहता कोई अपना पीसी क्यों देगा तू खुद सो अगर अभी 2 लाख मिले तुम देने का दो में तो खुद भी जाएगा पीसी के साथ भाई साहब जब से प्रैंक शूट करा घर का माहौल खराब ही है लक्ष्य तो जब से जाके सो गया और रे भी स्टूडियो में पड़ा कुंडी मार के उल्टा निहाल बाहर उस पे सो रहा सोफे पे और मैं भी सोच रहा यार कि क्या क्या चल रहा मतलब 2 आवर्स लेटर स्टिल भाई घर में अलग लेवल की शांति है ऐसा हो सके मेरे चित को एडमिट करना पड़े किसी हॉस्पिटल में या फिर उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के दिखाना पड़ेगी एक बात बुद्धि वेट करेगी जब से बुद्धि चलनी रही अगर ऐसा हो गया वो एडिटिंग भूल गया तो क्या होगा तो रे गए बहुत ज्यादा तगड़ा सदमा बैठ गया रे ने निकला कमरे में से उसे ट्रस्ट हो चुका ना किसी दिन आऊंगा ये तो बेच चुके होंगे सारे ट्विटर इसके भी लगवा दो क्या रेट लगवाओ इसके ये तो किसी के साथ ही चला जाता उनसे ही भेज ही देते तेरा सदमा सदमा बैठ गया क्या वो हो जाना वो देसी बाप की वो सुन के वो हो जाना कि मैंने दूसरी कास्ट में शादी कर ली वो वाला सदमा बैठे अरे तो वो डियर डायरी में लिखेगा आज मैं पासपोर्ट के ऑफिस से लौटा दोनों डब्बे बेड पर थे एक अजीब सांवला सा लड़का खड़ा था जो मेरे पीसी के पैसे दे चुका था अभी वो टाइम भी आ रहा जब रचित का जियान मोड ऑन हो जा बुती बुत बजा लगा तेरे को नोबिता जैसा वैसे ही लगे इसमें अभी पहले जियान कहाँ से दिख रहा था जो जियान एक महीना व्रत रखे तो ऐसा बने ऐसा दिखेगा उसके अंदर बैठा जियान और कभी कभी सिर चढ़ जा उसके और बुती बुत बजा गया वो हेलो हेलो आज भी नाना नहीं हुआ क्योंकि कल घर जाने का प्लान था और उसी में मुझे वीडियो करनी थी कल क्योंकि डेडलाइन भी है स्पॉन्सर की हो नहीं पाई दोनों चीजें घर जाना कैंसिल हो गया नहीं वीडियो तो कभी कैंसिल नहीं करेंगे पनीर जो बनवाना है घर में तो वीडियो हम लोग कर रहे हैं घर जाना कैंसिल हो गया अब जाके उठाऊंगा वापस मुझे अब तक वीडियो सेव की है जो यूज करनी है कॉन्टेंट में और अब इसके बाद लिखने बैठूंगा तब जाके पूरी रात अब वीडियो एडिट करेंगे भैया यही करना अब खाना खाऊंगा 5-10 मिनट बाद विल सी पर्दे भी बहुत गंदे हो रखे पर्दे भी ड्राई क्लीन देख जाएंगे हाँ ये मैं भूल गया था कि जब घर जाना है तो पर्दे ड्राई क्लीन पर देख जाने रहेगा वो काम हो गया वो प्रैंक में रेलिंग पर नहीं लटका देते यार फिर यूं कहते हैं अरे नहीं गेर ना रहे थे वो दहशत तो बैठ गई ना वो लटका तो सके ही है साले फाड़ दी थी आज तो रेकी रे कई दिन लगेंगे रे को इस सदमे से बाहर आने में वैसे अगर मेरा मैं अगर खुद को इमेजिन करूं अगर मेरी बाइक के साथ तुम ऐसा करते कि बाइक बेच दी हो जाता मेरा कुछ ही बेच दे कुछ भी बेच दे मुझे भेज दे और तो कुछ बेच दे मुझे ही बेच दे मेरा घर बेच दे ठीक प्राइस पे मेरा घर बेच दे प्लॉट लेना नया नहीं अगर तेरा घर भी हम 7 लाख में बेच दे तो दिक्कत तो बनेगी नहीं यार इतना तो इतना देख बात पता क्या थी बिकने की बात ही नहीं थी बात ये है कि अगर तू बेच रहा ना मुझे इतना तो रहेगा मैंने अगर ठीक प्राइस पे बेच दिया होगा अगर कल को तू आगे कह देना मैंने मैकबुक बेच दिया तो अगर तू इससे कम पैसे में बेच दे तो फिर तो तू चूतिया नहीं लगेगा यूं बता भाई काम तो सबके ही आ रही हो तो इसे इस बात पर भरोसा ही नहीं करना था कि हम 55,000 में बेच देंगे मैंने कह रहा पड़ बाबा की जमीन तो हम ही बेचना चाह रहे बिकवा देंगे मैं बता रहा पड़ बाबा हरी की जमीन का रेट है 4 लाख रुपए बिगा उसे तो कहीं 5 में भी कटवा दे 4 तो कहना हम ही बेचना चाह रहे हमने तो बट्टी अपनी पहली गर्लफ्रेंड के गिफ्ट बेच दिए थे बता दू कैसे प्राइस बताए थे मैंने तुझे हमने एक बार 45,000 तो लगा दिए थे मगर अगर अबे वो 45 भी ना इसे पता होना चाहिए उसे कितना गोश्त करा हमने बेच थोड़ी दिया था रोज आवे तो रोज कह दू तो मैं मगा भाई मगा यार वो तो यूं कह रहा जब तक मैकबुक नहीं आती मैं नहीं दे रहा यू और हूं प्राइस पॉइंट बिल्कुल मैच कर कैलकुलेट करके डिसाइड किया कहता मगा यो बेकार भी है डील
अगर कहीं बेची आई पीसी तो इतना भरोसा है को कम से कम नहीं एक लोंडा लिफ्ट में ले जाता हुआ दिखता ही जाए। मैं वही तो कह रहा था निहाल को एक बार लेकर तो चल वो मेरे कैमरे में कुछ आया ही नहीं दोबारा कर तो शुरू कर नहीं। लेकिन मैं समझ सकूं अगर मेहनत की कमाई से पहली चीज हो तो थोड़ी अटैचमेंट रहे लेकिन अगर डील अच्छी हुई तो ले लेनी चाहिए। सब कुछ मेहनत का ही है। आज उस लोंडे का दिल दुखाया तुमने आज एक की दुआ लेके जाता तू एक के घर में आज मिठाई बट रही होती की पीसी आगे पापा पीसी ले आए दूसरे घर में खुशियां बढ़ने में क्या दिक्कत है। मेरी बचपन की साइकिल थी ठीक है कभी नहीं बच्ची हमेशा पापा कहते थे भाई इसकी पहली साइकिल है। एक गरीब आया कहने लगा जी पैदल जाना पड़े इतनी दूर गर्मी में मगा ले जा ऐसे ही था। अरे टायर सुन पैसे लिए नहीं टायर भी ठीक करके दिए जो मेरे सामने कहेगा ना कि इसका मैं ऐसे ऐसे यूज करूंगा उसे तो फ्री में भी दे दूंगा। कहिए क्या यूज करेगा बताइए ये लोंडा बताओ अभी क्या यूज करेगा। अथर्व को गिफ्ट कर देंगे। हाँ अथर्व का गेमिंग चैनल खुलवा देंगे। बता अथर्व जोशी गेमिंग। बे यार रिश्तेदार भी देखे हैं व्लॉग तुमने कहा थी यो ट्रे मैंने डस्टबिन में फेंक की थी पता तुझे पंकज ने निकाल के रख दी और इन्होंने वापस यही यूज करने शुरू। बे इसकी हद भी होगी तो भी भाई साहब डस्टबिन में फेंक दे कसम से हाथ में लेके आ जाऊ मैं चाहे। बहुत बढ़िया भाई बहुत समझदार है ये लड़का बहुत समझ सीधा उधर मारा सामने वाली उसमें। आज बहुत दिनों बाद कोल्ड ड्रिंक यार मैं धीरे धीरे फूड ब्लॉगर बनता जा रहा मैं मुझे जरा रात में स्क्रिप्ट करनी थी तो मैं रोल वगैरह मंगा लिए थे और ये चादर यार बड़ी उसने नियाल ने प्लेन वाली वापस गंदी कर दी वो निकालनी पड़ेगी। ये हमेशा मुझे मेरे घर की याद दिला दे घर के बेड पे वो पुराने मम्मी के दहेज में आया हुआ बेड था ना जो उस पर बिछक रही थी ऐसी चादर पता नहीं वो भी शायद थी तो वहीं की पिछले फ्लैट में दी थी मम्मी ने फिर वहां से यहाँ ले आए थे हम। अच्छा भाई तुझे सब पता तुझे पुरानी बात बहुत पता भाई लक्ष्य फटने वाली यू हिल रहा था वो मैं कह रहा रे कुछ चीयर अप करने के लिए ब्राजीलियन सर रशियन बुला देगी उसके लिए आइसक्रीम खुआ दे उतना कुछ हो जाएगा। मेरी जान कल तो उस पे आ रहा रोस्ट वैसे हम करते तो है नहीं पर एक ऐसा चैलेंज भी कर सके कि छोड़ यार वो कर लो ना स्टैमिना किसका अच्छा जैसे तू खास रहा तेरा तो अच्छा होगा नहीं एक सेंटेंस नहीं पूरा बलगम ना बात हुआ बलगम कैसी चीज है किसी की प्लेट में ला के दे दे ये तो ब्रेकफास्ट टाइम पे ड्रॉप करेंगे लोग जो लोगों को छूट जा खाना भी निकाल के दिखा दूंगा इतना गलीस बन जाऊंगा मैं कभी तुझे खाना लाऊं और बलगम करके लाऊं उसमें चटनी की तरह टेस्ट क्या पता अच्छा हो कभी किसी ने ट्राई ना करा हो क्या पता बहुत वे जली पहली आवे बलगम ही होता हो बुड्ढा कैसा करा नाली में लगी सीमेंट सा तैर के जा रहे डिजोल्व नहीं होता बहुत दूर तक दूसरे शहर की नाली में भी चला जा रहे।